नमस्कार, आप देख रहे हैं टक्कर। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम मौजूद है दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, सेंट्रल पार्क में। तालियों के साथ दिल्ली की जनता आज इस कार्यक्रम में, कितने लोग तैयार हैं सवालों के साथ? हाथ उठाइए जोर से। ठंड का असर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस देश में सियासत की गर्मी हमेशा रहती है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज मंच पर मौजूद है जनता के सवालों का सामना करने के लिए। मनीष तिवारी, पूर्व मंत्री, भारत सरकार के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। और सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनको आप रोज देखते हैं टीवी पर बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए, आज ग्लव्स पहन के पहुंच गए सेंट्रल पार्क के मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन आपको बता दें मुद्दा क्या है। मुद्दा तो वैसे हमेशा इस देश में रहता है, लेकिन सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो क्यों ना लगे हाथ बीजेपी से पूछ ले, अच्छे दिन आ गए क्या? कांग्रेस पार्टी से क्यों ना ये पूछ लिया जाए कि राहुल गांधी क्या विपक्ष का जो रोल है उसको निभाने के लायक बन गए हैं? क्या गुजरात ने नेता बना दिया है राहुल गांधी को? इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से सुना देते हैं कि आज किस तरह की सियासत इस मुद्दे पर हुई। 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। हमने किसी एक वर्ग या कुछ लोगों के सीमित विकास का नहीं, बल्कि सबके विकास का संकल्प किया। हम मानते हैं कि प्रगति तभी प्रगति है, विकास तभी सच्चे अर्थों में विकास है जब साथ चलें, सबको लेकर के चलें, सबके लिए चले। 17 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश में एकीकृत कर व्यवस्था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST के रूप में लागू कर ली गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भरसक इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे संकल्प और हमारे प्रयासों का विश्व भर की बिजनेस कम्युनिटी ने स्वागत किया है। तो आइए सवालों की बौछार करते हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, अच्छे दिन पूछे भी या नहीं पूछे, या छोड़ ही दे हिम्मत कि ये अच्छे दिन तो बस था, बस कहने को जुमला? नहीं, ये सवाल बहुत एप्रोप्रिएट है। अच्छे दिन आए हैं, उन गरीब महिलाओं से पूछिए, 3 करोड़ महिलाएं जो कि कभी गैस कनेक्शन नहीं ले सकती थी, उनसे पूछिए अच्छे दिन आए। आप उस गरीब किसान से पूछिए जिसको कि यूरिया के लिए दंगे तक होते थे, रात रात भर लाइन में खड़े रहना पड़ा था नीम कोटेड यूरिया, अब वो विषय खत्म हो गया। अच्छे दिन उस गरीब आदमी से पूछिए जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिला, जिसकी वजह से बिचौलियों का पैसा चला गया, 60,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के बचे। और मैं कहूंगा अच्छे दिन उस जवान से पूछिए जिसको पता है कि अब उसकी सरकार उससे ये नहीं कहती है कि जीरो टॉलरेंस टेररिज्म पे होना चाहिए, उसकी सरकार की अध्यक्षता आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाती। और एक और बात मैं लाइटर नोट कहूंगा, अच्छे दिन तो राहुल गांधी जी के लिए भी आ गए, चुनाव हारते हारते पार्टी के अध्यक्ष बन गए। और जो हिंदू आतंकवाद की बात कहते थे वो वेद और गीता पढ़ने लगे, वो मंदिर मंदिर घूमने लगे। मनीष तिवारी जी, राहुल गांधी नेता बन गए? देखिए, अच्छा ही दिन तो एक जुमला था और वो भारत की जनता ने नहीं कहा, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने खुद ही कह दिया कि ये तो लोगों को बहकाने के लिए एक जुमला था। और वास्तविकता ये है कि सुधांशु जी गैस कनेक्शन की बात करते हैं, 770 रुपये का सिलेंडर हो गया और एक आम परिवार में भी 2 सिलेंडर महीने के लगते हैं। जो 15,000 रुपये कमाता है महीने के, अगर वो 1,500 रुपये ईंधन के देगा तो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा। ये यूरिया की बात करते हैं, उन किसानों से जाके पूछिए मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इस देश के ग्रामीण इलाकों में
जो रोज आंदोलन कर रहे हैं और रोज दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष से किसानों के आत्महत्या हो रही है। ये बात करते हैं अच्छे दिन की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं पे होता है। सबसे पहला सांप्रदायिक सौहार्द। पिछले 44 महीने में सांप्रदायिक सौहार्द के इस देश में परकच्छे उड़ गए। दूसरा आंतरिक सुरक्षा, जो कहते थे कि अगर हमारी सरकार बन गई तो पाकिस्तान से परिंदा पर भी नहीं मारेगा, रोज घुसपैठ हो रही है, रोज हमारे जवान मारे जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर, और जो नियंत्रण रेखा है इतनी हिंसा शायद पिछले 10 साल में नहीं देखी गई जितनी पिछले 3 साल में देखी गई है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था, इस देश में वृद्धि दर 4.3% रह गया, और ये वो वृद्धि दर है जो आज से 40 साल पहले 78-79 में जब चरण सिंह की सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर हुआ करता था। नौकरी की बात करते हैं, दो बचे नौकरी की बात करते हैं। देखिए, नौकरी तो उस नौजवान से जाके पूछे जिनको आपने ख्वाब दिखाए थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम पैदा करेंगे, और वास्तविकता ये है कि पिछले 3 साल में 6 लाख नौकरियां तक ये नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए ये लोगों को बहकाने के लिए, उनके वोट लेने के लिए, अपने अच्छे दिन लाने के लिए, ठीक है मनीष जी, एक जुमला इन्होंने मनीष जी, आप कांग्रेस पार्टी में है, आपका अधिकार है कि आप उन पर हमला करें। आपने बिंदु भी अच्छे गिना। एक सेकंड सर, मेरे सवाल पे पहुंचे ही नहीं आप। राहुल गांधी पर एक लाइन नहीं बोला सर आपने। हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने की ताकत रखते हैं 2019 में? क्यों देश की जनता ये कहे कि हाँ हमारे पास एक मजबूत विकल्प है? देखिए ऐसा है अंजना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज हम जनवरी 2018 में हैं, और अगर लोकसभा चुनाव का कैलेंडर मेंटेन रहा तो मार्च 2019 में चुनाव होंगे, शायद ये पहले करवा लें। पर एक बात मैं आपको कहना, ये पहले भी करवा सकते हैं। पहले होंगे क्या सुधांशु जी? सुधांशु जी पहले होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चुनाव समय इस पर सेलो टेप लगा, इस पर बीजेपी से कोई कुछ नहीं बोल रहा, जो होगा एक ही बार होगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी। तो सवाल ये है कि एक विपक्ष होने के नाते जो इन्होंने वायदे किए थे लोगों के साथ, उनको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो असलियत की कसौटी है उस पे कसेगी और इनसे हिसाब मांगेगी कि पिछले 5 वर्ष में आपने इस देश का क्या हाल कर दिया है, और उससे निकलेगा एक सशक्त विकल्प, और उस विकल्प का नेतृत्व श्री राहुल गांधी करेंगे। चलिए ठीक है, अब सवालों की शुरुआत करते हैं। आप आइए, सवाल पूछिए, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ जरूर पूछिएगा, पद्मावती, पद्मावत पर पूछेंगे फिल्म। आप सही आइए सर, इधर आप अगला सवाल पूछिए। नहीं, मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। सर, सन 2010 में आप बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ पार्टी बना रहे थे, उस समय आपने बोला था कि मैं कांग्रेस से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा हम लाके रहेंगे, लेकिन उस चीज़ को आज 8 साल हो गए और अब पार्टी आपकी है, पूरी तरह से सरकार आपकी है, आप क्या बिहार को विशेष राज्य दर्जा कब देंगे, 2022 में या 2019 में? देखिए, बिहार को हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, और जब तक वहाँ की सरकार ऐसी थी कि जो उसका उपयोग ढंग से नहीं कर पा रही थी, अब व्यवस्था बदली है और सही ढंग से उपयोग शुरू हुआ है। अगला सवाल। अच्छा, मैं एक बात और कांग्रेस से पूछना ये चाहेंगे कि ये घोटाला ना करने की ये शपथ ये कब लेंगे? ये घोटालों में बहुत फेमस हैं। जो छवि बनी भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर, उसको धोना बड़ा मुश्किल होगा। अंजना जी, वास्तविकता ये है कि इस देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, और उस षड्यंत्र के तहत जो यूपीए की सरकार थी उसकी छवि को धूमिल किया गया। जब वो घोटालों की बात अदालत की कसौटी पे कसी गई तो 2G जो कहते थे कि 1,76,000 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार खा गई, जब अदालत में उसको परखा गया तो अदालत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, और जितने अभियुक्त थे
सभी अभियुक्तों को बरी किया, तो अगर इसमें सच्चाई होती तो अदालत उनको सजा देती, अदालत उनको बरी ना करती। तो इसलिए पाप की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। इन्होंने काट की हांडी चढ़ाई थी, एक माहौल बनाया था इस देश में कि बहुत घोटाले हुए हैं और उसके परकच्चे यही पटियाला हाउस के अदालत ने उड़ा दिए। देखिए हकीकत यह है, ये केस में जिसमें कि ये तो बात सिद्ध हुई कि चोरी हुई पर चोर नहीं पकड़ा गया, उसको लेकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, जबकि विशेष बात यह है कि अध्यक्ष वर्तमान और पूर्व अध्यक्षा दोनों 50,000 के मुचलके पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। और मैं एक और बात कहूंगा, अरे 2G छोड़िए साहब, आप देखिए CWG और कोल घोटाला, और उसके बाद देखिए बेचारे 2-4 दिन भी जश्न नहीं मना पाए कि लालू जी के ऊपर 3-4 बार केस में हो गई। इसलिए मैं एक लाइन में कहूंगा कि बहुत खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, सितारों के आगे जहां और भी हैं और इश्क के इम्तहान अभी और भी हैं। मैम सर ने 2G के अदालती आदेश की बात की, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस देश में जो अदालती फैसले कांग्रेस से तलवार बरी हो गए तो क्या ये मान लें कि आरुषि की हत्या ही नहीं हुई? देखिए ऐसा है कि बहुत सटीक सवाल आपने पूछा है। हर लोकतंत्र कानून और व्यवस्था की जो एक बुनियाद है उसके ऊपर चलता है, और जो 2G का फैसला आया है उस 2G के फैसले में अदालत ने ये नहीं कहा कि हत्या हुई है और ये हत्यारे नहीं है। उस फैसले में साफ तौर पे अदालत ने यह कहा है कि यह कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर जो उसकी आखिरी लाइन है फैसले की, मैं अंग्रेजी में आपको सुना देता हूं। अदालत ने यह कहा है, अ सेट ऑफ फैक्ट्स वॉज आर्टफुली अरेंज्ड इन ऑर्डर टू गिव एन इंप्रेशन दैट अ वेरी बिग स्कैम हैड बीन परपेट्रेटेड वेयर देयर वॉज नो स्कैम एट ऑल। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी जल्दी से। देखिए ये एक अच्छे वकील हैं, परंतु ये कैसे भूल गए 2015 में इसी अदालत के ही आदेश पर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए गए थे। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था तो अदालत ने क्यों कैंसिल किया? और इसी अदालत ने जब सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी चिदंबरम को दोषी सिद्ध करने पे, तो आप संयोग की बात है मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उस समय कहा गया था कि साहब चिदंबरम पे नहीं पर राजा के खिलाफ तो पर्याप्त सबूत है। अब कोई बात नहीं, एक कोर्ट के आप एक स्तर से अभी छूटे हैं, अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अभी तो मैंने कहा मैडम सबसे पहले बात शुरू हुई थी अच्छे दिनों की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छे दिन तो आए हैं, लेकिन उन लोगों के अच्छे दिन आए हैं जो सड़कों पे बस को जला रहे हैं और टायर फूंक रहे हैं, उनके अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। इसी पर एक यहाँ पर सर थे बड़े गुस्से में थे पद्मावती पर, उनको सवाल पूछना था। आइए सर, आइए बाहर आइए, आपकी आवाज आएगी, आइए जल्दी आइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पद्मावती के लिए इतना करनी सेना वाले इतने दंगे कर रहे हैं, BJP क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई उसको? जवाब दीजिए सुधांशु जी। साहब 59 लोगों के ऊपर तो कार्रवाई अभी पिछले ही 24-48 घंटे में हुई है, तो कार्रवाई सरकार कर रही है पूरी सतर्कता के साथ, सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई। नहीं सर, किसका इंतजार कर रहे थे? बस में बच्चों को वो डराएं, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे, किस बात का? 4 राज्यों में BJP शासित, रिलीज नहीं हो पाई फिल्म, किस सदी में जी रहे हैं? नहीं देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति पर सरकार संवेदनशीलता और दृढ़ता दोनों के साथ काम कर रही है, क्योंकि भावनात्मक मुद्दे पे संवेदनशीलता की भी आवश्यकता है, इसलिए दोनों ढंग से सरकार। मैं पद्मावत पे ये कहना चाहता हूँ कि इधर करनी सेना तुम देख पाए या नहीं देख पाए? यस मैम, मैं देख लिया, तो इतना हो हल्ला हुआ पूरे कंट्री में, और इधर मतलब पेट्रोल का दाम इतना और डीजल का दाम ऑल ओवर कंट्री इतना बढ़ चुका है, मुंबई में 80 रुपये लीटर है, कहीं ये कोई प्लानिंग तो नहीं है कि एक तरफ से पद्मावत को लेकर पूरे कंट्री का मतलब मूड चेंज किया जाए और उनका ध्यान उधर भटकाया जाए, नीचे से पेट्रोल और डीजल का दाम जाए? जवाब दीजिए सुधांशु जी। नहीं, इस प्रकार की बात तो सोचना बिल्कुल कदा भी अनुचित है भाई। आप देखिए ना, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट है उससे तय होता है, क्योंकि अब पिछले करीब 10-12 साल से पेट्रोल ओपन है, जो इंटरनेशनल मार्केट में होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, तो उसको इससे कनेक्ट करना तो मेरे विचार से सर्वथा। एक बात भी तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा मनीष जी। वैसे एक मिनट मैं इनको बता देता हूं कि जब UPA की सरकार थी तो जो कच्चे तेल का दाम था वो लगभग $100 से लेकर $160 के बीच रहा, और उस समय भी जो तेल की कीमत थी उसके ऊपर हमने
नियंत्रण पाने की कोशिश की। एक बार मुझे याद है 2008 में जब हमने तेल की कीमत बढ़ाई थी, डीजल की कीमत बढ़ाई थी, तो इन्हीं के एक साथी प्रवक्ता हमारे मित्र हैं राजीव प्रताप रूडी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है यूपीए की, ये एक आर्थिक आतंकवादी की तरह काम कर रही है। और इनके पिछले 3.5 साल में तेल की कीमत $30 से लेकर $50 के बीच में रही है, शायद पहली बार कल $61 छुई है, और तेल की कीमत और डीजल की कीमत रोज बढ़ रही है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं वो पैसा कहां जा रहा है। जब $30 तेल की कीमत थी तो उसका फायदा भारत की जनता को क्यों नहीं दिया गया? जब $35 तेल की कीमत थी उसका फायदा भारत की जनता को क्यों नहीं दिया गया? कहां गया है वो सारा पैसा? उसका एक टेक्निकल जवाब है जो शायद लोगों को, जो लोग अर्थशास्त्र की जानकारी रखते होंगे वो समझेंगे। ये 2014 में जब बजट की बजाय अनुदान दे के गए थे तो पूछिए कितना पैसा अगले साल के बजट के ऊपर डाल के गए थे, ये भी तो चेक करिए ना, कितने हजार रुपए डाल के गए थे। दूसरी बात, कितना जो है ऑयल कंपनीज का घाटा था। तीसरी बात, हमने उसका कुछ पैसे का हिस्सा रोड बेस में, भाई वो भी तो पेट्रोल जब आप यूज करेंगे तो गाड़ी चलाएंगे ना, तो उसमें भी हमने व्यय किया था। तो कुछ पुराना घाटा, कुछ इन्होंने जो पिछले साल का आगे कर दिया था, और कुछ रोड में गया है। अगला सवाल ले मनीष, अगला सवाल के पास गया। अंजना जी इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, छोटा सा, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे मित्र हैं पर गलत बयानी कर रहे हैं। मैं उस सरकार का हिस्सा था 2014 में जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी है। अगली सरकार के लिए हम कोई कर्जा नहीं छोड़ के गए। जो आपके फिस्कल डेफिसिट का जो एक मिनट सुधांशु, जो फिस्कल डेफिसिट का मापदंड था उस फिस्कल डेफिसिट को हमने मेंटेन किया। एक बहुत रोबस्ट इकॉनमी, एक अच्छी अर्थव्यवस्था इनके लिए छोड़ के गए, और उस अर्थव्यवस्था के इन्होंने परकच्छे उड़ा दिए। दस साल आपके आर्थिक महामंदी के बावजूद, यूरोजोन क्राइसिस के बावजूद, इस देश की अर्थव्यवस्था 7.8% की रफ्तार पर साल भर साल 10 साल तक बढ़ती रही, और जब इनके पास सरकार आई है वो अर्थव्यवस्था 3.5% पे आ गई है। भैया परखच्चे उड़ गए और एनडीए की इकोनॉमिक मैनेजमेंट, अगर परखच्चे उड़ गए तो 13 साल के बाद मूडीज ने हमारी रेटिंग बढ़ा दी। इनके सवाल की बारी नहीं आएगी। आपकी जब हमारी सरकार थी तब मूडीज की रेटिंग अच्छी थी, 2004 में आपकी सरकार आई तब गिरी, और हमारी सरकार आने के बाद 13 साल बाद। मेरा सवाल सुधांशु जी से है, सॉरी सर ये बताइए, हमारा जो देश है डिफेंस टेक्नोलॉजी लेके आज भी दूसरे नेशंस पे डिपेंड है, हम हिंदू मुस्लिम से हटके साइंस एंड टेक की तरफ कब चलेंगे? कब हम उधर का डेवलपमेंट देखेंगे? या हम दूसरे ही नेशंस पे डिपेंड रहेंगे कि आइए आप हमें दिखाइए, आप हमें संभालिए, कब हम प्रोडक्शन करेंगे? 1.25 बिलियन की जनता हमारी है, इसका हम क्या अचार डालेंगे? बहुत अच्छा सवाल कि किस दिन हम हिंदू मुस्लिम से हटकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। जिस दिन इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अबुल कलाम के नमाज जनाजा में नहीं जाते और याकूब मेनन के नमाज जनाजा में जाते हैं, जिस दिन ये जाना छोड़ देंगे, सारे के सारे लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। मैं इसका बहुत सटीक, अंजना जी मैं इसका बहुत सटीक जवाब देना चाहता हूं। आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ तब जाएंगे जिस दिन एनडीए भाजपा की सरकार इस देश से जाएगी। जब तक ये रहेंगे ये समाज को बांटते रहेंगे। चलिए इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं क्योंकि तमाम राज्यों की बात हो रही है, लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले कई राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में चुनाव होने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। टक्कर जारी है, देखते रहिए आज तक। फिर से आज तक पर आपका स्वागत है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जनता यहाँ पर सवाल करना चाह रही है, लेकिन एक सवाल उससे पहले मैं ये पूछ लेना चाहती हूँ कि देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जो छठे रो में सीट दी गई राहुल गांधी को, उसको लेकर जबरदस्त बवाल, वही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जबरदस्त बवाल। क्या जानबूझकर ऐसा व्यवहार उनके साथ किया गया? क्योंकि अगर प्रोटोकॉल को ही माना जाता तब तो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को आगे वाली कतार में सीट नहीं मिलनी चाहिए थी। आपकी पार्टी से कहते हैं नरसिम्हा राव साहब की, क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैं आपने बहुत सही बात, वो कह रहे हैं कि उनको वहां जगह ही नहीं मिलनी चाहिए राहुल गांधी को, क्या ये सही है? मैं ये कहना चाहूंगा, यदि यह प्रश्न कांग्रेस उठाती है तो इससे बहुत साफ हो जाता है कि भाई आप मनमोहन सिंह जी का सम्मान कुछ करना ही नहीं चाहते। वो फ्रंट रो में बैठे हैं, वो आपके नेता नहीं है। भैया सोनिया गांधी अपने को मनमोहन सिंह से बड़ा मानती थी, माने राहुल गांधी भी मानने लगे। फिर वही बात, मणिशंकर अय्यर के घर पर मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया।
मोहन सिंह के घर पे क्यों नहीं गए? मणिशंकर अय्यर पूर्व प्रधानमंत्री है, उसका कोई सम्मान ही नहीं आपको दिया उन्होंने। मणिशंकर अय्यर को तो पिछले छठी सीट का इतना बवाल करना ठीक है क्या? अंजना जी, ऐसा है कि मैं इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूँ, ये शिष्टाचार मुक्त सरकार है, तो इसलिए इनसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, अब सवाल और जहाँ तक जहाँ तक रही मनमोहन सिंह के मणिशंकर अय्यर के घर जाने की बात, अगर इनको इतना ही ऑब्जेक्शन आपत्ति थी तो राज्यसभा में अपना बयान वापस क्यों लिया? राज्यसभा में माफी मांगने से कम सब कुछ अरुण जेटली ने कहा कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कहा था वो पूरी तरह से गलत था। शिष्टाचार मुक्त सरकार, बयान वापस लेने की क्या जरूरत है? शिष्टाचार राहुल गांधी छोड़ सबके साथ शिष्टाचार करेंगे। देखिए, यहाँ तो बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के ही लिए शिष्टाचार है, बाकी सबके लिए तो अनाचार है। चलिए ठीक है, अगला मेरा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, बहुत सारी चीजों पे बहुत सारा बजट कर। सवाल है, मेरा क्वेश्चन है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर पे वो कितना परसेंट इंक्रीज करने जा रहे हैं? मतलब किसान की चिंता है आपको बजट में? आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसान के बारे में बात करके खुश हो रहा है, उसको बजट में एलोकेशन होना चाहिए, कितना बढ़ेगा वो तो बजट में ही बताया जाएगा। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है कि कब तक कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? पिछली कई विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को चेहरा बनाकर लड़े हो आप, हर जगह हार मिली है, फिर भी उन्हें अध्यक्ष बना दिया। कब ये गांधी परिवार से बाहर आएगी कांग्रेस की सरकार? ये परिवारवाद है। देखिए, ऐसा है कि आपको कांग्रेस पार्टी में तो दिक्कत दिखती है, पर आपको महबूबा मुफ्ती में दिक्कत नहीं दिखती, आपको उमर अब्दुल्ला में दिक्कत नहीं दिखती, आपको सुखबीर बादल में दिक्कत नहीं दिखती, आपको वसुंधरा राजे के बेटे में दिक्कत नहीं दिखती, आपको रमन सिंह के बेटे में दिक्कत नहीं दिखती, आपको आपको ये अनुराग ठाकुर हमारे मित्र हैं जो धूमल साहब के बेटे हैं उसमें दिक्कत नहीं दिखती। तो मैं आपको तमिलनाडु से लेकर और कश्मीर तक आपको गिना दूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ, कि जब आप वंशवाद की बात करते हैं तो वंशवाद की बात पूरे परिपेक्ष में की जानी चाहिए, सिर्फ एक पार्टी के बारे में नहीं की जानी चाहिए। इस बीमारी का संक्रमण बहुत गंभीर सवाल है सर, 10 एग्जांपल देके नहीं होगा कि उनकी शर्ट पे दाग है तो मेरी शर्ट पे भी दाग। नहीं, इसमें अंजना जी, इस बीमारी के संक्रमण के लिए क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है जिसने इस देश पर परिवारवाद की राजनीति को थोपा है? मुझे तो लगता है कि आपकी काबिलियत बहुत बड़ी है, आप जैसे कई नेता है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन एक ही चौखट पर नेतृत्व पहुंचता है। अंजना जी, वंशवाद की बीमारी सिर्फ राजनीति में नहीं है, वंशवाद की सबसे बड़ी बीमारी तो इंडिया के मीडिया हाउसेस में है। वंशवाद की सबसे बड़ी बीमारी तो आपके जितने प्रोफेशंस है उसमें है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, वकील का बेटा वकील नहीं बनता, आर्किटेक्ट का बेटा आर्किटेक्ट नहीं बनता। तो इसलिए अगर आप वंशवाद खत्म करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में कहावत है चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, आप में अपने प्रमोटर्स से कहीं ज्यादा टैलेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। अंजना जी, एक वाक्य बोलूंगा, ये कोई जवाब नहीं है सर। अंजना जी सरकार चलाना और मीडिया हाउस चलाना आप बराबर मानते हैं? देखिए, जनता जिसके कदमों पर अपनी पूरा अपना पूरा भविष्य सौंपती है, क्या बात कर रहे हैं मनीष तिवारी जी? आप राजनीति, देश का प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं कि मीडिया पर उंगली उठनी चाहिए? जनता से जीत के आते हैं, जनता का विश्वास प्राप्त करते हैं हर पांच साल, वैसे सरकार नहीं चलाते हैं। जो बाकी वंशवाद की परंपरा है वो अनइलेक्टेड ऑटोक्रेटिक सरकार और देश चलाना है आपको। अंजना जी, इस पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, बात है आपको बुरी लग गई। अंजना जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, सुनिए इस पे। देखिए, जितने भी हाउसेस की आपने बात कही कि समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वंशवाद है, साहब आपको पता है कि कांग्रेस में कौन सी पीढ़ी का वंशवाद है? मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 100 साल में छठी पीढ़ी। अरे भाई, इतना तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता बड़े बड़े राजवंशों में। वसुंधरा राजे का वंशवाद। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कंपेयर तो कर दिया कि वसुंधरा राजे छोटी बड़ी सारी पार्टियों से, क्या देश के दो बड़े राजनीति ना कांग्रेस और भाजपा दो है ना, मोदी और राहुल, तो उन दोनों में कंपेयर आप छोटे छोटे पार्टियों से कैसे कर रहे हैं?
चलिए इसमें उलझ के रह जाएंगे, उलझ के रह जाएंगे। मेरा सवाल इनका ट्रिपल तलाक पे है कांग्रेस का, इन्हें राज्यसभा में ये पास क्यों नहीं होने दे रहे? ट्रिपल तलाक पर आपका स्टैंड? देखिए, जहां तक का ट्रिपल तलाक का सवाल है, इससे पहले जवाब सुनिए, इससे पहले कि इस देश में उस पर चर्चा भी शुरू हुई थी, हम जैसे कुछ लोग हैं, मैं हूं, हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, उनके जो लोग हैं उनके लिए अदालतों में अपीयर हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हमने पूरी तरह से स्वागत किया। हमारी सिर्फ आपत्ति इस बात के ऊपर है कि वो जो, देखिए, इस देश में जब कानून बनता है वो कानून 100 साल 120 साल तक चलता है, तो एक आपने कानून बनाया है, अगर आपको लगता है अच्छा कानून है, सिलेक्ट कमेटी में जाने दीजिए, उसका 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 ठीक तरह से मूल्यांकन होने दीजिए, फिर राज्यसभा में पास हो जाएगा। इनकी जो फितरत है ट्रिपल तलाक पे, मैं एक वाक्य कहूंगा, उसको शब्दशा मत दीजिएगा, भैया लोकसभा में तो समर्थन कर दिए, राज्यसभा में कह रहे हैं कि नहीं आप इसको कमेटी पे भेज दो, यानी जो कहावत है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, शब्दशा मत दीजिएगा, वो फितरत कांग्रेस की दिखाई पड़ गई। सुधांशु जी, दिक्कत ये है कि अगर आप संसदीय परंपरा को समझते हो तो लोकसभा का एक अपना कैरेक्टर है और राज्यसभा का एक अपना कैरेक्टर है, दो अलग अलग हाउसेज हैं। तो अगर राज्यसभा ने यह तय किया है, और सिर्फ कांग्रेस ने अकेले नहीं कहा, बाकी जितने विपक्षी दल थे उन्होंने भी कहा था, आपको क्या आपत्ति है? जाने दीजिए सिलेक्ट कमेटी में, रोज कानून सिलेक्ट कमेटी में जाते हैं। 30 साल पहले 414 की मेजॉरिटी की सरकार ने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फार्मर का बेटा फार्मर, वो तो आखिरी ऑप्शन होती है ना, उसमें अगर काबिलियत हो, जैसे राहुल गांधी जी की बात है, अगर वो काबिलियत होती उनमें, साइंटिस्ट बनते, देश का नाम रोशन करते, ये तो आखिरी ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन। किसान के बेटे को गरीबी के कारण आखिरी ऑप्शन की मजदूरी करनी पड़ती है अपने खेत में, ऐसा है। सबसे बड़ी काबिलियत की बात है सर, ऐसा है। हरियाणा से मैं ऐसे बहुत काबिल लोगों को जानता हूँ जो स्वयंभू सब कुछ पढ़ लिख कर फिर जाके किसान बने हैं, तो इसलिए ऐसी बात कह के कि किसानी लास्ट ऑप्शन है, भारत के किसानों की तौहीन मत कीजिए। बेटे को ही सब कुछ देने से जरूरी नहीं फायदा हो जाए, एक हिंदी में कहावत है ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, तो एक मुलायम सिंह थे उनका बेटा ज्यादा ही काबिल निकल गया तो परेशान, एक सोनिया गांधी उनका बेटा उतना काबिल नहीं निकला तो वो परेशान। अगला सवाल, बॉर्डर पे रोज हमारे भारत के शहीद होते, भारत के जवान हमारे शहीद होते, ये कम होगा और महंगाई कब कम होगी? भारत सरकार से ये सवाल है मेरा, भारत सरकार से सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, जवानों के संदर्भ में मैं बिल्कुल स्पष्ट, मैंने कहा अभी, आपने देखा रोजाना शहीद होते हैं, आपका भी इसी से जुड़ा सवाल, हमले होते रहेंगे सरकार की जंग से जवाब। कांग्रेस हमेशा इसी मुद्दों पे लड़ती रहेगी कि राहुल गांधी को फ्रंट सीट नहीं दी 26 को, कि बजट सत्र में जो आने वाला है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे कि आगे कुछ बढ़ेंगे, और कि मतलब मैम आंसर चाहता हूँ प्लीज, इस चीज पे हर बार हर सत्र देखा जाता है, हम लोग इस चीज से परेशान है कि कांग्रेस रन नहीं करने देती है पार्लियामेंट को, किसी भी चीज को हर चीज में अनवांटेड टॉपिक्स उठाती है, आप कभी हेल्दी टॉपिक्स तो उठाइए। मुझे लगता है देखिए थोड़ा सा कि आपको जो अपना ज्ञान वर्धन करने की जरूरत है, इस देश में अगर संसद के सत्र को वाइपआउट करने की परंपरा किसी ने डाली है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो इनके वित्त मंत्री हैं, इनके एक आप भी सेम फॉलो करेंगे, मतलब प्रोग्रेस मैटर नहीं करती आपके लिए, आपके लिए मैटर करता है। देखिए, इनके जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने वो कहा था कि डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रचनात्मक तरीके से हम मुद्दे उठाते हैं, पर अगर संसद में हमको लगता है कि उन मुद्दों के ऊपर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन मुद्दों के ऊपर एजिटेट करें, और एक लोकतंत्र में वॉकआउट करना पार्लियामेंट से इट्स अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक। सर, हर बार आपकी बात ध्यान नहीं दी जाती है, मतलब आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कहीं लैग कर रहे हैं कि आप अपोजिशन में भी नहीं रहने लायक बच रहे हैं, आप पूरा वाइपआउट होते जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल, सर आपने अभी डिस्कस किया था कि आपका ग्रोथ हो रहा है हमारे कंट्री का, बट सर ग्रोथ सिर्फ आपने दिखाया कि गरीबों को आप गैस दिलाए,
फार्मर्स का आप हेल्प किए हैं, व्हाट अबाउट मिडिल मैन सर? मैम गैस पे मिडिल क्लास, देखिए मिडिल क्लास के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर एफडीआई सबसे ज्यादा आया है और ग्रोथ रेट बढ़ रही है, और अगर आईएमएफ ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर भारत एक बार फिर चीन से आगे बढ़कर सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी, तो मिडिल क्लास को उसका नेचुरल लाभ मिलेगा। अगला सवाल मैम, मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 34% क्रिमिनल्स है हमारे पार्लियामेंट में, वो पैसा हमारे हम लोगों के हाथों का पैसा, मेहनत का पैसा हम क्रिमिनल्स पे क्यों खर्च करें? ताली बजाइए जोर से। सबसे मजबूत सवाल यही है लोकतंत्र में, कब रिफॉर्म होगा, कब असली पब्लिक सर्विस होगी? हम क्रिमिनल्स पे पैसा खर्च करेंगे अपनी मेहनत का, इसलिए। देखिए आपकी जो संवेदनशीलता है मैं उसकी कदर करता हूँ, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इसका हल भारत की जनता के पास है, ना क्रिमिनल्स को इलेक्ट करके भेजिए लोकसभा में और विधानसभा में, ये जारी जो व्यवस्था है वो सुधर जाएगी। आप अपने वोट को तय कीजिए, हम तो वही भेजेंगे जो हम चाहते हैं। ठीक है, नहीं साहब इस पे मैं एक सीरियस बात भी कहना चाहता हूं, जब तक क्रिमिनल्स कास्ट के सिंबल बनते रहेंगे, जब तक क्राइम को लेकर हमारी दो तरफा नजर रहेगी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अफजल गुरु की हैंगिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम को तो आइडियोलॉजिकल कवर है, और छोटे क्राइम को कहेंगे नहीं साहब ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल कोई भी हो, छोटा या बड़ा, एक नजरिए से होना चाहिए, किसी जाति का हो किसी मजहब का हो वो एक नजरिए से देखा जाना चाहिए, तब हम इससे छुटकारा पा पाएंगे। तो सर हम तो ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इस समय वर्तमान समय में जो भी बीजेपी में जा रहा है वो तो धुल जा रहा है गंगा की तरह एकदम, तो कोई भी क्रिमिनल। अच्छा जवाब आपने दिया, उन्होंने तो कोई अपराध किया ही नहीं। मैं चाहता हूँ फिसल गए और हर हर गंगे। अभी कर्नाटक की सरकार ने क्या कहा कि वो जो मुस्लिम जिनके ऊपर है केसेस वो विड्रॉ कर लीजिए। अरे भाई केस अगर आपको ईमानदारी से नवयुवकों के लिए करना है तो सबके लिए करिए, ये क्यों कहते हैं कि इनके लिए करिए? सुशील कुमार शिंदे जी ने होम मिनिस्ट्री में लिख के भेजा था कि जिन जिन केसेस में ट्रायल्स में अल्पसंख्यक लोग इन्वॉल्व हैं अगर वो मासूम लग रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अरे भाई ये कोई बात थोड़ी थी लिखने की। उत्तर प्रदेश में 2007 में अदालतों में बम विस्फोट हुआ, अखिलेश की सरकार ने क्या कहा, इनके केसेस विड्रॉ कर लो, हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया तो आखिर में वो रुक गए, वरना आप आतंकवाद के आरोपियों से केसेस विड्रॉ कर लेंगे? और आपको पता है फूलन देवी से लेकर कितने लोगों केसेस विड्रॉ कर लिए गए थे? इस कारण से अपराधीकरण राजनीति पर रपता है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, जल्दी से दो लाइन में। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन 3 या 4 सवाल और होंगे, तो आप अपने सवाल रखिए तैयार, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। सेंट्रल पार्क से एक बार फिर आपका स्वागत है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सवाल यहाँ पर, चूंकि बहुत देर से आप हाथ हिला रहे, जल्दी आइए, दौड़ के आइए फटाफट। किससे सवाल? सवाल मेरा भारत सरकार से है, 15 लाख का क्या हुआ? काले धन के विषय के ऊपर एक लंबी प्रक्रिया सरकार ने अडॉप्ट की है, और अब हमने स्विट्जरलैंड मॉरिशस इन सारे देशों के साथ वो एग्रीमेंट भी कर लिया है जिससे रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। मगर जय जवान जय, मगर मुझे जानते हैं अफसोस क्या होता है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि अगर राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो उसे कहते हो देखो मंदिर जा रहे हैं, अगर वही मोदी जी मंदिर जाते तो इस पे तो कोई कुछ नहीं कहता। क्या आपने खरीद रखा है क्या मंदिर? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए राहुल गांधी मंदिर जाते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस कहती उनके मन का भक्ति भाव जागृत हो रहा है, वो गए गुजरात चुनाव में, कोई आपत्ति नहीं। मगर भाइयों ये बताइए, जब आपको जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पोस्ट मिलता है, बहुत बड़ा काम होता है, उस दिन तो आप मंदिर जरूर जाते हैं, पहले या बाद में। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए उसके बाद उस समय आपने किसी ने मंदिर जाते देखा उनको? अच्छा अंजना जी, चुनाव खत्म हो गए थे, इसीलिए पंचतंत्र की वो कहानी याद रखिए, बगुला भगत भगत और बगुला भगत का अंतर जनता अच्छी तरह। अच्छा अंजना जी उस सवाल का जवाब नहीं आया, वो 15 लाख का क्या हुआ वो पूछ रहे थे, 15 लाख का क्या हुआ? आपने कहा था कि सारा काला धन वापस लाके 100 दिनों में हर भारतवासी के खाते में 15 लाख रुपया जमा कर देंगे। अरे 100 दिन क्या 3000 दिन निकल गए, 15 लाख तो क्या 15 पैसे नहीं जमा हुए किसी के बैंक अकाउंट में? जब ये सवाल ये पूछते हैं तो मुझे जानते क्या नजर आता है,
भैया जो ले जाके सारा पैसा धर दिए वो पूछ रहे हैं 15 लाख कब आ रहा है, यानी उल्टा चोर आपने किया था। सुनिए कहावत ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि अभी कम आया है, अभी थोड़ा बोलना गया है, अभी झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना इनकी फितरत है। और ये तो ऐसा झूठ बोला था कि भाई मेरी सरकार बनी नहीं, मैं सारा काला धन वापस लाके लोगों की तिजोरी में जमा कर दूंगा, एक पैसा पिछले के 44 महीने में जमा नहीं किया। जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अंजना जी मैं इस वक्त खत्म हो चुका, मैं इस बात में जाना नहीं चाहता, पर मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहूंगा कि शायद अगर यही नाम ले दें तो बेहतर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो कौन नेता थे जिन्होंने 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों की जेल से छूटने के लिए माफी मांगी थी। सुनिए मैं इनसे एक सवाल, पर परिवार इनका वही था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, कई नाम बदले हैं इन्होंने तो पिछले 70 साल में। चलिए हमारे तो आपने कहा सब मिला के नाम बदल ले, कांग्रेस पार्टी तो थी ही, अब आप बताइए एक नेता बताइए कांग्रेस का स्वतंत्रता में जो मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक बताइए जो काला पानी हुआ हो, एक बताइए जो पुलिस की लाठियों से भी घायल हुआ हो। सब बैठ के जेल में जाके किताबें लिखते थे आराम से, और जिनके लिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। ये स्वतंत्रता देखिए आखिरी जवाब है, जिन्होंने गोलियां खाई उनको आतंकवादी लिख दिया। देखिए ऐसा है भगत सिंह, इससे बड़ा झूठ जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में एक पैसे की कुर्बानी नहीं दी, आज वो हमसे सवाल पूछते हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं लाला लाजपत राय कौन थे, जो लाला लाजपत राय कौन थे जिन्होंने, जिनके सर के ऊपर लाठियां पड़ी जब सॉन्डर्स कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तो इसलिए जिनका जिनका रत्ती भर कंट्रीब्यूशन नहीं रहा इस देश की आजादी के आंदोलन में, आज वो हमको ज्ञान देना चाहते हैं कि भारत आजाद कैसे हुआ। अंजना जी कल 26 जनवरी गुजरी है, आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया? इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। मैं फिर कह रहा हूं 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, इसका अर्थ हुआ 1930 से पहले पूर्ण स्वराज की लड़ाई नहीं लड़ रहे। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पर नजर रखिएगा, इतिहास के पन्नों में आपको उलझाएंगे, अपनी जेब पर नजर रखिएगा और देखिएगा आपके लिए इस बजट में होता है क्या। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।